हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे बनाने वाले हैं जैम्स गिफ्ट कैंडीज़। ये देखिए, मैंने ये पहले एक बना के रखी है, अब आपको सेकंड बना के यहाँ पे दिखा रही हूँ मैं। इसके लिए पहले हमने क्या करना है, ये देखिए मैंने रेक्टेंगल शेप मैंने आपको काटनी सिखाई हुई है, तो उसको हम वैसे ही पहले रेक्टेंगल शेप काट लेंगे एल शेप से। तो इसके बाद मैं अब क्या करूँगी, इस पर मैं अब कलरिंग कर रही हूँ। ये देखिए, एक सीधी लाइन पहले लगा लो, अब इधर भी सीधी लाइन मैंने लगा ली है। ये देखिए, अब इसको बस हमने कलरिंग करना है सिंपल आराम से। आप कुछ भी कलर यूज़ कर सकते हो, मैंने स्केच यूज़ किए हैं, आप कोई भी कलर यूज़ करते हो, पेंट कलर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसको सूखने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं इस पर स्केच ही यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि उसके लिए हमें पहले, अगर हम इस पे पेंट यूज़ करेंगे तो उसको हमने सुखाने के लिए भी रखना पड़ेगा। अब इधर भी ऐसे ही, ये देखिए इस तरह से आप बड़ा छोटा कोई भी चीज़ को गिफ्ट रैपिंग कर। ये मैं आज जेम्स की सिखा रही हूँ, आप कोई भी जैसे टॉफिस की किसी भी तरह से कर सकते हो। ये देखिए, अब यहाँ पे हम बना लेंगे हार्ट्स। हार्ट्स मैंने वैसे बनाने सिखाए हुए हैं, अगर आपको नहीं आते तो आप मेरे चैनल पर जाकर हार्ट्स बनाने ये सीख सकते हैं। कोई भी क्राफ्ट, कोई भी जैसे कोई भी क्राफ्ट ड्राइंग की आप चाहते हो मुझसे सीखना कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कह सकते हो, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वैसे ही बनाकर सिखा दूँगी जो आप चीज़ चाहते हो। इजी ट्रिक से मेरे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा इजी ट्रिक से ही चीज़ें सिखाई जाती हैं, तो आप कोई भी चीज़ के लिए मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैंने हार्ट बनाने सिखाए हुए हैं, अगर आपको नहीं आते तो वहाँ पर जाके आप ईजीली सीख सकते हो। वी शेप से मैं यहाँ पे जल्दी से बना रही हूँ, तो मैं दूसरी तरह बना रही हूँ, अगर आपको हार्ट नहीं आता आप वी शेप से भी बना सकते हो। ये देखिए, ये हमारे बन चुके हैं हार्ट्स, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे, ये ऑपोजिट कर लेंगे, एक साइड में इसके हम लगा लेंगे ग्लू। ये देखिए, हमने ग्लू लगा लिया, अब इसको हम हल्का सा बस ऐसे ही, अब इसको हम ऐसे, ये देखिए इसको अंदर की तरफ और इसको ऐसे ऊपर से ऐसे कर देंगे रैप। इसकी एक बात याद रखें, जब भी आप इसको जैसे अब कर रहे हो तो इसकी जैसे ये क्रीज़ का ध्यान रखना है, इधर उधर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इसकी ये भी हो जाती है। इसको ऐसे हमने कर दिया है, ये फिक्स हो गया। अब इसके हम एक तरफ से यहाँ पर लगा लेंगे गम, अब इसको भी हम यहाँ से बंद कर देंगे। ठीक है, ये हमारी बंद हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे हमारी जेम्स, जितनी क्वांटिटी डाल सकते हैं उतनी डालें, ज़्यादा ना डालें, फटने का फिर डर रहता है, और भी बनानी होती हैं और बना सकते हो आप। बच्चों को हम नॉर्मल जेम्स देते हैं या किसी को भी देते हैं तो उनको सिंपल सा लगता है, ऐसे दोगे तो आप बच्चे भी खुश हो जाएंगे कि काफ़ी अच्छी लग रही है, सरप्राइज का सरप्राइज। तो फिर हम ऐसे कट करते रहेंगे। इस तरह से आप यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन लगा सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो, थोड़ा कम भी कर सकते हो, मैं ज़्यादा नहीं करती। ये देखिए, हमारी ये बनकर तैयार हो चुकी है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। ये देखिए, ये हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, चलो अब इसको खोल के भी देख लेते हैं। ये देखिए,